हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आरआरबी कलर का जो मेरा पेपर है वो अभी ओवर हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में था, और इस बार अगर पेपर का बात किया जाए ना तो मुझे पेपर थोड़ा सा लेंदी लगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी लगा। मैथ्स का जो सेक्शन का अगर बात किया जाए तो वो थोड़ा सा इस बार कैलकुलेटिव आया था लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। और मैथ्स में आप लोगों का आई थिंक 10 जो था वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, 2 DI था, 1 DI था आपका टेबल बेस्ड और 1 DI था आपका लाइन ग्राफ वाला। और उसके अलावा जो डेटा था ना वो हल्का कैलकुलेटिव था, ज़्यादा नहीं बट हल्का कैलकुलेटिव था। और उसके बाद जो उसमें आप लोगों का 5 मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिला है, आई थिंक 10 अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला है, और बाकी जो था वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का 40 क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आप लोगों को हल्का सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इस बार ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, और लाइन ग्राफ DI का बात किया जाए ना तो वो हल्का लेस कैलकुलेटिव था, लेकिन जो टेबल था ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो जो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो वो इस बार थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, और उसके अलावा नंबर सीरीज वगैरह जो था वो कहीं ना कहीं ड्यूएबल था, अप्रोक्सीमेशन वगैरह ड्यूएबल था, लेकिन फिर भी आरआरबी क्लर्क का जो लेवल रहता है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस बार हाई किया गया है अप्रोक्सीमेशन या जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसको भी। और अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो मैथ्स मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है वो 36 रहा है, और रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 35। बिकॉज रीजनिंग में इस बार आप लोगों का जो एक क्वेश्चन देखने को मिला है ना वो एक 7% में लोग बैठे हुए थे, सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें 7% थे और सर्कल में बैठे हुए थे, फेसिंग इनसाइड था, लेकिन वो है ना वो पूरी तरह से मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया। मैंने उसमें 2 अटेम्प्ट लिया लेकिन उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैंने उसका जो भी क्वेश्चन है ना रेस्ट वो मे भी 2-3 क्वेश्चन उसे मार्क हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने उसे रिस्क नहीं लिया, मैंने उसे सॉल्व नहीं किया, मार्क नहीं किया, बिकॉज मे भी कहीं वो गलत हो जाता है। और उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों का जो सिलोगिज्म का देखने का क्वेश्चन मिला था, सिलोगिज्म के आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन थे, और उसके अलावा वहाँ पर ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे। और उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, और जो अल्फा बेस्ड जो सीरीज होता है ना वो भी था, और उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों का 3 पजल देखने को मिला, जिसमें कि एक था आपका वो फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें 7 फ्लोर थे, और उसके अलावा वहाँ पर एक आप लोगों का जो मंथ एंड डेट वाला होता है ना कि 3 मंथ है, जैसे कि सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, और इसमें 11 और 22 तारीख को लोग बैठे हुए थे, तो ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिला था। और उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों को एक दो जो सिंगल लाइनर के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी देखने को मिला था, जिसमें आप लोगों को बताना था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक नंबर दिया हुआ था, उसका बताना था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा मतलब यहाँ पर आएगा। और एक और जो कोई वर्ड दिया हुआ था वो वर्ड एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो वर्ड दिया हुआ था उसमें बताना था कि उसका 2nd, 4th, 5th और 8th लेटर से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो मेरा वहाँ पर जो वर्ड आया था वो था डाइस, उससे एक्चुअली डाइस बन रहा है, और ये बताना था कि राइट एंड से 3rd जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो राइट एंड से जो 3rd वर्ड होगा वो आई होगा, डाइस मतलब कि DIC। ठीक है, तो ये वर्ड मेरा बन रहा था, और आई थिंक उसके अलावा वहाँ पर और कोई वर्ड वो सारे लेटर्स को मिला के वर्ड्स को मिला के नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही था मेरा ओवरऑल पेपर का एनालिसिस, और मुझे जो ओवरऑल पेपर लगा इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडरेट देखने को मिला, लेंथी देखने को मिला, और मैथ्स जो है वो एक्चुअली मैथ्स की वजह से ही ज़्यादा लेंथी हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। और अगर मुझे मेमोरी बेस्ड पेपर कहीं से मिलता है तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, और एक्चुअली मुझे भी पता करना है कि रीजनिंग में वो मुझसे क्यों सॉल्व नहीं हो पाया, वो जो 7% जो सर्कल में बैठे हुए थे वो वाला क्वेश्चन एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप लोग एक काम करें, सबसे पहले तो आप लोग जितना भी स्कोरिंग टॉपिक या स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ना प्लीज़ आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर आप लोग पजल में हाथ लगा देंगे और अगर फंस गया तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों का पेपर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, पेपर मतलब बेकार का, फिर वैसा बर्बादी करने से क्या फ़ायदा है ना। अपने क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग स्कोर को बूस्ट कर लें, उसके बाद जो पजल वगैरह आप लोगों को बनाना है उसमें आप लोग सबसे पहले ये देख लें कि किस पजल में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर आप लोग उसे सिलेक्ट करें और उसे सॉल्व करें। ठीक है, और मैथ्स में भी इसी तरीके से आप लोग सबसे पहले जितना भी स्कोरिंग टॉपिक आता है, स्कोरिंग क्वेश्चंस आता है, आप लोग उसे सॉल्व कर लें, उसके बाद ही आप लोग DI वगैरह या अर्थमेटिक में मूव करें। क्यों? क्योंकि इस बार अर्थमेटिक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लेंदी देखने को मिला, तो मे भी आगे आने वाले शिफ्ट में भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से जाके एग्जाम दें। थैंक यू।